गाइज वेलकम बैक एक्शन प्लस। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं पठान मूवी के टोटल कलेक्शन के बारे में और बॉलीवुड साउथ की किस किस फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करें दोस्तों बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 4 साल बाद पठान फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर कम बैक करके धूम मचा दी, लोगों का दिल जीत लिया। पठान फिल्म बायकॉट के बावजूद भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और मेकर फिल्म मेकर के उम्मीद से कहीं ज़्यादा इस फिल्म ने अभी तक कलेक्शन कर लिया है। और यही नहीं, बॉलीवुड और साउथ जैसी फिल्मों के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। और बात करें दोस्तों ओपनिंग डे में 55 करोड़ का करारा सिक्स लगाकर दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म पठान बन चुकी है। बात करें दोस्तों दूसरे दिन की कलेक्शन की, तो नहले पर दहला दोस्तों लगाकर 70 करोड़ की कमाई करके नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पठान बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जो कमाई के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेजी से पार करने वाली हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बन चुकी है। यही नहीं दोस्तों, इस दौरान पठान फिल्म ने 20 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तो बात करें दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म पठान ने सुपरस्टार यश की KGF और प्रभास की बाहुबली और अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइस, जिसने दोस्तों 18 और 5 और 45 करोड़ की ओपनिंग डे में कमाई की, जिसका भी पठान फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों यहां पर बात करें पठान फिल्म ने बॉलीवुड की फिल्मों को कैसे पीछे छोड़ा, तो सारे रिकॉर्ड में यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसने ओपनिंग में 52 करोड़ की कमाई की, 52 करोड़ का कलेक्शन किया। और बात करें दोस्तों यहां पर हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की, जिसने 44 करोड़ की कमाई की और भारत ने 42 करोड़ की कमाई की। प्रेम रतन धन पायो ने 40 करोड़ की कमाई की, सुल्तान ने 36 करोड़ की कमाई की ओपनिंग में, और दोस्तों ओपनिंग में धूम 3 ने 36 करोड़ की कमाई की, और वार ने ओपनिंग में दोस्तों फर्स्ट डे में 53.35 करोड़ की कमाई की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे रिकॉर्ड बता दिए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।